तो दोस्तों क्या आप यहाँ पे इंस्टाग्राम यूजर हो, क्या आप यहाँ पे डेली के हिसाब से इंस्टाग्राम एप्लीकेशन यूज करते हो? अगर आपका भी अकाउंट अवेलेबल है इंस्टाग्राम एप्लीकेशन पे तो डेफिनेटली आज का डे बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप सभी के लिए। बहुत सारे ऐसे यूजर्स होते हैं, बहुत सारे मुझे यहाँ पे कमेंट रिसीव हुआ कि हम कैसे अपने व्हाट्सएप अकाउंट को अटैच करें इंस्टाग्राम अकाउंट से, इंस्टाग्राम आईडी से। इसी के साथ कैसे हम ट्विटर का अकाउंट को अटैच करें अपने इंस्टाग्राम आईडी से, डेफिनेटली अब आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे इजिली अटैच कर सकते हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो टम्बलर हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो। तो गाइस पूरा मैं आपको सेटिंग बताना हूं कि कैसे आपको कंप्लीटली करना है। तो गाइस प्लीज इस वीडियो आप एंड तक बने रहे, सिंपल आपको साइड में स्क्रीनशॉट कर देता हूं, प्लीज आप वहां पे ध्यान दीजिए। तो गाइस सिंपली आपको इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना, ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो गाइस आपको सिंपली करना क्या पड़ेगा, नीचे तो ऑप्शन देखने को मिल जाता है अपने अकाउंट का, जो कि राइट साइड में नीचे तो ऑप्शन अवेलेबल है, सिंपल आपको इस पर टैप कर देना है। टैप करने के बाद हमारा अकाउंट ओपन हो चुका है, मतलब मेरा प्रोफाइल ओपन हो चुका है। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, तो डेफिनेटली आप मुझे डीएम करके पूछ सकते हो, मैं आपको एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो गाइस जो कि मेरा इंस्टाग्राम आईडी है अनिकेत झाजी, तो गाइस प्लीज आप मुझे फॉलो कर लीजिए। तो गाइस आपको यहाँ पे सिंपली करना क्या पड़ेगा, आपको राइट साइड में थ्री लाइंस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, सिंपली आपको इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पे आपको सेटिंग्स पे टैप कर देना है। सेटिंग्स पे टैप करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसे कि फॉलो एंड इनवाइट फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन, क्रिएटर, प्राइवेसी, सुपरविजन, सिक्योरिटी, एड्स, अकाउंट हेल्प, अबाउट एंड थीम्स। तो गाइस सिंपली आपको यहाँ पे अकाउंट्स पे टैप कर देना है। अकाउंट पे टैप करने के बाद यहाँ पे आपको इस सेक्शन में भी बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन, सेव, क्लोज फ्रेंड, अकाउंट स्टेटस, अवतार, लैंग्वेज, कैप्शन, इस तरीके से। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते होंगे एक ऑप्शन अवेलेबल है सेडिंग टू अदर एप्स। तो गाइस अगर आप मैनेज करना चाहते हो, अटैच करना चाहते हो अलग अलग एप्लीकेशन को, अलग अलग एप्लीकेशन का अकाउंट को इस एप्लीकेशन से, इस आईडी से, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे सेडिंग टू अदर एप्स पे टैप कर देना है। टैप करने के बाद आपके सामने देखने को मिलेगा अलग अलग प्लेटफॉर्म, अलग अलग सोशल मीडिया, जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इसी के साथ साथ टम्बलर, एमीबा, ओकेरू, इस तरीके से। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते होंगे जो आपके सामने फेसबुक के सामने यहाँ पे अनिकेत झा और यहाँ पे राइट इनेबल हो रखा है, मतलब ब्लू कलर का आइकन अवेलेबल है। तो गाइस क्योंकि यहाँ पे जो फेसबुक का अकाउंट है मैंने यहाँ पे अटैच कर रखा है इंस्टाग्राम आईडी से। अगर आप व्हाट्सएप को कनेक्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप व्हाट्सएप पे टैप करेंगे। टैप कंप्लीटली करने के बाद यहाँ पे आपके सामने देखने को मिलेगा आपका अपना नंबर। अगर आप दूसरे व्हाट्सएप अकाउंट को नंबर को अटैच करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप यहाँ पे एंटर भी कर पाओगे। आपको बता दूं आप नॉर्मल अपने व्हाट्सएप अकाउंट को ओपन नहीं कर पाओगे, अटैच नहीं कर पाओगे। अगर आप यहाँ पे व्हाट्सएप बिजनेस में अकाउंट क्रिएटेड कर रखा है तभी आप यहाँ पे अटैच कर पाओगे, तभी आप यहाँ पे आइकन को इनेबल कर पाओगे, व्हाट्सएप बटन को इनेबल कर पाओगे। इसके साथ साथ अगर आप ट्विटर को इनेबल करना चाहते हो, अटैच करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप ट्विटर पर टैप करेंगे। ट्विटर पर टैप करने के बाद हम आ जाते हैं कुछ इस तरीके के सेक्शन में, कुछ इस तरह का इंटरफेस रिएक्ट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते होंगे ऑथराइज इंस्टाग्राम टू एसेस योर अकाउंट। तो गाइस यहाँ पे आपको यूजर नेम पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे आपको ऑथराइज इनेबल करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे अटैच कर पाओगे। तो गाइस सिंपली आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। अगर आप यहाँ पे टम्बलर में अटैच करना चाहते हो टम्बलर पे टैप करेंगे, कुछ जो भी आप वेरिफिकेशन के लिए प्रोसीजर होगा सिंपल आपको फॉलो कर देना है, और फॉलो करने के बाद आपका सोशल मीडिया वाला अकाउंट इस आईडी से अटैच हो जाएगा। जब भी आप में पोस्ट करोगे वाला पोस्ट ऑटोमेटिकली अगर पॉसिबल होगा तो शेयर हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। आपको यहाँ पे अलग से कोई भी पोस्ट को शेयर नहीं करना पड़ेगा, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर एट अ टाइम एक ही साथ यहाँ पे शेयर कर पाओगे, अपडेट कर पाओगे। तो गाइस कैसी आपको जानकारी लगी, कैसे आपको वीडियो लगी, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको इस जानकारी नहीं मिली तो गाइस प्लीज अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादातर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।